या ओके आज आम डिस्कस करमा स्टे इन्सुलेटर। तो स्टे इन्सुलेटर कहीं लगी यूज करा जाएसी ताके बुझवार लगी आमको फास्ट बुझवार लगी पड़वा स्टे वायर कहीं लगी यूज करा जाएसी। देख केनसी भी पोल्स रंगे गोटे स्टे वायर टे अटेस्टिसी। तो स्टे वायर रो बेसिक फंक्शन होचे पोल के सपोर्ट प्रोवाइड करवा। जेहेतु आम ट्रांसमिशन लाइन रो वेट सब वाले पोल के ई साइड के घिचु थिबा अमर स्टे वायर ट्राई करवा ई पोल के तार सही पोजीशन ने फिक्स रखवा लगी। बिकॉज इन ट्रांसमिशन लाइन लगी अमर पोल रो पोजीशन रे शिफ्ट हो जाई पारे। तो अमर स्टे वायर गोटे फोर्स दउथवा जेन फोर्स लगी कंडक्टिंग वायर रो जेन फोर्स अच्छे से फोर्स के काउंटरेक्ट करवा और अमर पोलटा सही पोजिशन में फिक्स रहा। तो आम गोटे स्टे वायर के कण करूचु यूज करूचु जेनटा कि पोल सांगे अटैच थी तार अदर एंडटा ग्राउंडेड थी सो दैट जदि आमर केनसी भी विंड सिचुएशन हो विंड होचे बहुत पवन फ्लो होचे विंड फ्लो होचे जे कि आमर पोल के ई डायरेक्शन रे फोर्स करूचे मूव करवा लगी। तो आमर इनु कण करवा स्टे वायर पोल रो पोजिशन रे चेंजेस नाई हेबार लगी दबा। तो ये जिन कंडक्टर वेट लगी भी कहना है ना आमर पोल रो पोजिशन रे चेंजेस आईसी। तो जदि पोल रो पोजिशन चेंज आसपा आमर कंडक्टर जिन अच्छे लाइव कंडक्टर से कण है तल्के झुकी जावा जेनटा कि सेफ नुहे से। तो आमर पोल रो पोजिशन फिक्स रहबार कथा। तो सेटाके फिक्स रखबार लगे आम कण करूचु ठीक कंडक्टिंग वायर जेन जेन डायरेक्शन जाइए तार आर एंड रे आम गोटे स्टे वायर यूज करूचु जेनटा कि गोटे एंडटा पोल सांगे कनेक्टेड थी और तार आर एंडटा ग्राउंडेड थी। तो जदि आम डायरेक्टली स्टे वायर के ग्राउंड करदे विदाउट यूजिंग ए स्टे वायर स्टे इन्सुलेटर व्हाट विल हैपन। सो एज्यूम कर जेहेतु आम जेन स्टे वायरटा पोल रो कंटाक्ट आसूचे आउ पोल रो आसपास लाइव कंडक्टर भी रोचे तो देर इज ए पॉसिबिलिटी दैट कि केनसी गोटे टाइम रे किसी फॉल्ट लगी आम लाइव कंडक्टरटा स्टे वायर रो कंटाक्ट आसीजा। तो जदि इनटा हो जाए कण हाँ तो ये स्टे वायर रे तुम करंट फ्लो करुचे जदि केनसी पब्लिक है कि केनसी एनिमल स्टे वायर रो कंटाक्ट आसीजा ताके सीवियर शॉक लगवा। तो से ही डेंजरस सिचुएशन के एवोड करवा लगे आम कण करुचु गोटे स्टे वायर टे यूज करुचु जेनटा कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के ब्रेक कर दूचे बट मेकानिकल कनेक्शन जेनता कि सेन्ता ही रोचे। तो देख इनु आम गोटे स्टे वायर रो डायग्राम टे बनाई तो यहाँ हूँ जेन जेनटा कि आम पोल रु लाइन टा आसी मान स्टे वायर टे आसी आई लाइन टा आम ग्राउंड के जाइवा इन आम स्टे इन्सुलेटर गोटे यूज करुचु इन्हें दुटा होल कराइसी इन्हें गोटे होल थीसी आउ इन्हें गोटे होल थीसी इ होल रे आमर इ कंडक्टरटा के प्लेस करा जीवा आउ इन जेन होल कराइथिबा सेने लोअर एंड रो कंडक्टर के फिट करा जीवा आउ इ बोथ होल आर एक्चुअली राइट एंगल टू इच अदर 90 डिग्री रे प्लेस कराइथिसी होल दुटा के। अच्छा इन जेन इन्सुलेटरटा अच्छे से ग्राउंड रु पाखापाखि 3 meter रो क्लीयरेंस भी रखा जाएसी। यदि नोट हिसाब रे जिमा स्टे इन्सुलेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एग इन्सुलेटर बिकॉज ऑफ देयर शेप दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एग इन्सुलेटर बिकॉज दे लुक लाइक एन एग यूज्ड टू इन्सुलेट द लोअर पार्ट ऑफ द गे केबल फ्रॉम द पोल माने लोअर पार्ट के पोल नु आइसोलेट करवा लगी स्टे इन्सुलेटर यूज करा जायसी सो दैट द सेफ्टी ऑफ पीपुल कैन बी कन्फर्म्ड। दिस इन्सुलेटर कंसिस्ट ऑफ ए पोर्सिलिन पीस विथ टू होल्स एट राइट एंगल टू ईच अदर व्हाट आई हैव टोल्ड यू बिफोर देर आर टू होल हियर देर इज ए होल दिस होल इज एक्चुअली मेड वर्टिकली एंड देर इज हियर देर इज अनदर होल दिस होल इज मेक हॉरिजॉन्टली दिस टू होल्स आर राइट एंगल टू ईच अदर थ्रू विच टू एंडस ऑफ द गे वायर्स आर लुप्ड। दीज इंसुलेटर्स आर provided at a height of about 3 meter from the ground level. So if question asked, 2 mark question may be asked in the exam about a stay insulator or egg insulator, then you need to write this much in the exam and this small diagram will, if you draw, it will be mark fetching. Thank you.